नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आरक्षित भांडेर विधानसभा क्रमांक 21 के उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत तकरीबन 72% होने से जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी बी विजय दत्ता ने इसका सारा श्रेय अपने अधीनस्थ अफसरों को देते हुए चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर ईवीएम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंगलवार को संपन्न हुए मतदान की ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में मध्य प्रदेश पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व जवान सख्त पहरे में है। मध्य प्रदेश पुलिस सहित केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। आरक्षित भांडेर विधानसभा का उपचुनाव जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका दतिया कलेक्टर बी विजय दत्ता एवं पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह की रही है। इन दोनों अधिकारियों के रहते आरक्षित भांडेर विधानसभा की जनता को भी पूरा यकीन था कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। तैयारी जिले में लगभग 50-60 दिनों से चल रही थी। हम और एसपी साहब ने भले 15 दिन पहले ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ की पूरी टीम जो बूथ कलेक्टर एसपी हैं उनके लीडरशिप में सीओ जिला पंचायत एडीएम एडिशनल एसपी सभी ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है। और खास करके चुनावी क्षेत्र से और चुनाव से संबंधित डिप्टी डीओ और रिटर्निंग ऑफिसर और उनके आर ओस सभी ने पूरी मेहनत कर रखी। मैं सिर्फ लास्ट मिनट पर जो था तो सबसे पहले तो सारे चुनाव के लिए जितने लोगों ने काम किया उन सभी को बधाई। और 72% वोटर टर्नआउट लाना और पिछले वर्ष की तुलना में पिछले विधानसभा के चुनाव की तुलना में 3% बढ़ोतरी काफ़ी अच्छी होती है। आगे और भी बढ़े, जैसे हम लोगों ने बाकी कुछ जिलों में देखा 80% तक गया है, उसी तरह आगे भी जिले में 80% तक वोटिंग। ग्वालियर संभाग जो सबसे बड़ा संभाग है, ग्वालियर संभाग वहां देखा गया है कि 45% और 65% बनी है, लेकिन एक छोटे सा जिला है दतिया जहां देखा गया है कि भांडर तहसील में इतनी परसेंटेज बनी है, तो इसकी एक आपको पुलिस अधीक्षक आपको इसका पूरा श्रेय जाता है सर। नहीं, आपको अगर वोटिंग परसेंटेज का है तो उसका श्रेय पूरा जिला पंचायत को जाता है। हर ग्रामीण क्षेत्र में एक सचिव होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, उनके लेवल से महिला बाल विकास विभाग के लेवल से हमारे सीओ जिला पंचायत ने कोऑर्डिनेट किया है। स्वीप का पूरा जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट तक को सजा दिया है स्वीप के बैनर से, उनके वोटमैन आइकन से, और उनकी एक विशेष प्रशंसा के लिए हम भेज भी रहे हैं भोपाल। तो जो हमारी वोटिंग परसेंटेज है वो स्वीप प्लान के अंतर्गत ही रहती है, उसी के बेसिस पे हमने कार्रवाई की और सीओ जिला पंचायत की पूरी टीम को हम मुबारक। ईवीएम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी और अभी है? जैसा अभी देख हाल में आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के साथ हमारी एक बैठक हो रही है, इसमें हम वही जानकारी दे रहे हैं स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी ऑलरेडी सीआरपीएफ को हैंडओवर कर दी गई है। उनके 3 लेयर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उसको बारू किया जा रहा है। साथ में सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर अरेंज करवाई है, और जितने राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव उनके प्रतिनिधि वहाँ पर रहना चाह रहे हैं बाहर स्ट्रांग रूम के सिक्योरिटी पेरीमीटर के बाहर और ऐसा क्या, और सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये 24 घंटे निगरानी में रहेगा कि कोई इसी प्रकार की कोई रूम्स में या लॉक्स की कोई छेड़खानी नहीं हो। थैंक यू।